आज बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आज हम सब लोगों के अगुआ है, नेतृत्व करता है और सौभाग्यशाली है हम सब लोग कि बाबूलाल मरांडी जैसे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमको प्राप्त हुआ, जिनके पास क्षमता है संगठन चलाने का, जिनके पास है नेतृत्व करने का और सामने बैठे हुए राज्य के कुशासन से मुकाबला करने का। इसलिए हम सब लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं और आने वाले दिन में जो लोकसभा के चुनाव की चुनौती है उसको अवसर में बदलने का काम हम इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करेगा और 14 का 14 सीट हम सब लोग कमल खिलाने का काम करेंगे। कमल खिलाने आज मुझे खुशी इस बात की है कि एक ऐसे शख्स और शख्सियत की हाथ में बागडोर जा रही है जिनके साथ मैं लगातार वर्षों बिताने का काम किया। वो समय भी मुझे स्मरण है कि हम और बाबूलाल मरांडी जी झोपड़ी खपड़े का घर, नीचे माटी का पलस्तर जिसको आप कह सकते हैं, और रात में सोने के लिए हम लोगों के पास तकिया नहीं था तो ईंटे की तकिया बना करके हम लोग काम कर साथ रह करके काम करने लगे और वो दिन भी याद है, बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष थे और इनके नेतृत्व में मैं प्रदेश मंत्री के रूप में भी काम करता था, इनके नेतृत्व में मैं मुख्यालय प्रभारी के रूप में भी काम किया हूं और मुझे विश्वास है इनके साथ एक कार्यकर्ता की तरह मैं इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।